काम कर 4 साल में बहुत कुछ करे, जो 15 साल में रमन सरकार कुछ नहीं कर पाई वो करके दिखा दी। आने वाला चुनाव में तो कांग्रेस ही जीते। जब तक कांग्रेस अपना पत्ता नहीं खोलेगी अभी किसी की जीत को हम निश्चित नहीं मानते। विधानसभा चुनाव का तारीख अभी तय नहीं हुआ, लेकिन प्रदेश में 21 भाजपा प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है। इस सूची में खैरागढ़ का भी नाम। खैरागढ़ में विक्रांत सिंह भाजपा के प्रत्याशी हैं और उनके प्रत्याशी होने के साथ ही राजनीतिक माहौल बनने लगा है। खैरागढ़ में किस तरह के माहौल है और किस तरह की बयार चल रही है यह जानते हैं आइए और बात करते हैं कि जनता क्या सोच रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तय हो चुके हैं, कितना खरा मानते हैं उन्हें? वो कमजोर है, इससे पहले भी वो नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं और उसके बाद काम किए हैं, जिला पंचायत के अभी उपाध्यक्ष भी हैं। इतना क्या किस स्थिति से हैं वो, कैसे क्या देख रहे हैं अभी आने वाले चुनाव को लेकर के? आने वाला चुनाव में तो कांग्रेस ही जीतेगा। दादा का कहना है कि कांग्रेस विक्रांत सिंह कमजोर है और आने वाले समय में कांग्रेस ही जीतेगी। हमारे साथ एक और बुजुर्ग हैं, उनसे जानते हैं कि वर्तमान विधायक का काम कैसे लग रहा है। विधायक के काम तो अभी ठीक है, अभी देखे जाए तो काम अभी अच्छा करा थे अपन वार्ड वार्ड में सब। अभी जब कांग्रेस प्रत्याशी का चयन नहीं हुआ है तो ऐसे में क्या कांग्रेस प्रत्याशी को बदल देना चाहिए? प्रत्याशी तो अभी पत्ता कांग्रेस ने खोला नहीं है, तो अभी जो बयार चल रही है लोग बोल रहे हैं कि जो ये जीतेगा वो जीतेगा। अभी जब तक कांग्रेस अपना पत्ता नहीं खोलेगी अभी किसी की जीत को हम निश्चित नहीं मानते, क्योंकि तो कांग्रेस का जब प्रत्याशी तय होगा उस समय देखा जाएगा किसका टक्कर है। और प्रदेश सरकार के हिसाब से तो कांग्रेस अभी आगे चल रही है क्योंकि प्रदेश सरकार का काम बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन खैरागढ़ में भी जो बयार चल रहे हैं विक्रांत सिंह का, जो हवा चल रही है तो उस हवा में विक्रांत सिंह तो आगे हैं अभी देखा जाए तो। चूँकि अभी कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है और कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित होने के बाद ही हम बता सकते हैं कि दोनों का मुकाबला कैसा रहेगा। और दूसरी बात कि प्रत्याशी चयन के बाद अभी सामाजिक समीकरण भी बैठेगा, क्योंकि खैरागढ़ में बीच में अगर छोड़ दिया जाए राज परिवार का देवराज सिंह जो जनता कांग्रेस से लड़ी थी, तो मेरे ख्याल से इस क्षेत्र में लोधियों का ही राज रहा है और लगातार चुनाव जीतते आए हैं, तो उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका वोट बहुत है। अब जाति संक्रमण क्या बैठता है उसके बाद ही देखा जाएगा, अब प्रत्याशी होने के बाद ही तय होगा कि आगामी क्या रणनीति बनेगी। इस समय मौजूद हैं कांग्रेस के पार्षद हैं दीपक देवांगन, उनसे भी जानते हैं कि कांग्रेस लगातार पिछले 4-4.5 साल अभी सरकार में रही है और कांग्रेस में जिस तरह से आवेदन आए लगभग 48 दावेदारों ने दावेदारी की है, 48 लोगों ने, इसे कैसे देख रहे हैं आप? ऐसे है कि सबको दावेदारी करने का अधिकार है, 48-50 भी हो सकता है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कार्यकाल इतना अच्छा गया है, 4.5 साल में इतना अच्छा काम किया है, जो ऊपर से जो टिकट निर्णय करेंगे उन्हीं को प्रत्याशी माना जाएगा और उन्हीं को ये काम किया जाएगा। देखिए 48 दावेदार हैं, लेकिन क्या वर्तमान विधायक के अभी जो है उन्हें फिर से टिकट देना चाहिए या बदल देना चाहिए? उनका तो कार्यकाल अभी 1.5 साल का था, उपचुनाव जीती है, उनका कार्यकाल 1.5 साल में बहुत ही अच्छा है और उनको अगर मौका मिलेगा तो 5 साल में और अच्छा विकास होगा। हाँ, विधायक का कार्यकाल 1.5 साल का था और अगर मौका मिलेगा तो और बेहतर काम करेंगे। हमारे बीच कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। दादा आप बताएंगे कि अभी मतलब कांग्रेस की भी सरकार आप देखे हो, भाजपा की भी सरकार आप देख ले हो, 15 साल भाजपा की सरकार रही और अभी कांग्रेस की, तो कौन सी सरकार बेहतर काम करती है आपकी? बेहतर है कांग्रेस, बघेल सिंह का कार्यकाल ठीक है और वही रही फिर दोबारा। क्या कारण है होकर अभी काम कर 4 साल में बहुत कुछ करे, जो 15 साल में रमन सरकार कुछ नहीं कर पाई वो करके दिखा दी 4 साल में। और क्या होगा, अगर छोड़ तो हो नहीं है वो कांग्रेस ही रहेगा। और इला सोचा नहीं तुमने बेटी की यशोदा दादा का लगा थे अभी काम मुद्दा हो सकते हैं, जैसे अभी अभी जो चुनाव होना है कौन से मुद्दा पे चुनाव लड़े? कौन से मुद्दा में लड़े? कोई मुद्दा नहीं छोड़े कांग्रेस वाले। तो काखर पक्ष में मतलब माहौल काखर पक्ष में आप लगा थे अभी कांग्रेस के पक्ष में लगा कार्यकाल, जो 15 साल के बीजेपी कार्यकाल में कुछ नहीं हो है, अभी जो कांग्रेस के कार्यकाल है हर गरीब के, हम कम से कम खैरागढ़ में 2000 घर बना के बाद बहुत सुंदर काम होते,
और जिला विला भी बना दी, बहुत अच्छा जिला बना दी अपन ला, ये बहुत सुविधा मिली। जिला की मांग है और तमाम जो मांग है वो जिला बनाए हैं और कांग्रेस ने कोई मुद्दा नहीं छोड़ा, ये लोगों का कहना है। भैया आपका क्या कहना है कि अभी जो चुनाव हो रहा है किस तरह से अभी माहौल आप देख पा रहे हैं, क्या लगता है आने वाले चुनाव में? अभी विक्रांत सिंह एक तरफ से प्रत्याशी हैं, विक्रांत सिंह दूसरे तरफ कांग्रेस के भी पत्ता, अभी कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है, लेकिन क्या माहौल देख रहे हैं अभी? भाजपा का प्रत्याशी विक्रांत सिंह सही है या कोई और प्रत्याशी होना था? और कोई होना था, दूसरा नया चेहरा भी लाना था एक आध। विक्रांत सिंह भी पिछले लंबे 10 साल काफी समय से प्रयासरत रहे हैं, तो उसके बाद अभी लंबे समय में बाद उन्हें टिकट मिल पाया है। हाँ, तो किस तरह से देख पा रहे हैं इनको? ठीक है, इस समय तो यशोदा जी नंबर वन को मिलना चाहिए टिकट और वही जीतेगा। और नहीं, भाजपा से अगर विक्रांत सिंह को अगर मिला है तो उनको उनके टिकट को आप अभी कैसे देख पा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? एक बार कोमल जंघेल को और देना था, एक बार उसको और मौका। अब कोमल जंघेल को मौका मिलना था, विक्रांत सिंह भी कद्दावर रहता है, लेकिन अभी जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस ने काफ़ी बेहतर काम किए, अभी जो चर्चाएं हैं वो खुल करके इस तरह कांग्रेस के पक्ष में नज़र आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि लोगों का मिला जुला रुझान समझ में आ रहा है, जैसे कि युवा कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस ने पत्ता नहीं खोला है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जिला बनाने का फायदा, जिला बनने से जो फायदा हुआ है, बुजुर्गों का जो फायदा मिला है वो उन लोगों को दिख रहा है, और भूपेश सरकार जो काम की है उसका असर वो लोग, उनका ये कहना है। लेकिन फिर भी लोग अभी आने वाले टिकट का इंतजार कर रहे हैं। IBC 24 से प्रशांत सहारे, खैरगढ़।